ये है अपने एच आर एक्स के शूज, ब्रांड न्यू। मैंने अब तक प्यूमा ट्राई किया है, रिबोक ट्राई किया है, अभी आजकल मैं फिला पहन रहा हूँ। शूज़ का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। लास्ट से लास्ट व्लॉग में आपने व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग खरीदने के लिए गए थे, तो फिर मुझे ऐसे स्नीकर्स नहीं मिले थे जो मेरे को चाहिए होते हैं, तो मेरे को एक बूट टाइप में टिपिकली स्नीकर्स चाहिए थे। उसमें क्या होता है ना, लुक एकदम से निकल के आता है, आप उसको लोअर में भी कैरी कर सकते हो, आप स्मार्ट लगते हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ब्रांड न्यू शूज है भाई, परफेक्ट स्नीकर। ओके, गुड मॉर्निंग हो गई है जी। बी शिफ्ट चल रही है, जो लोग जानते हैं फार्म के बारे में या फिर जिनकी एबीसी शिफ्ट चलती है ना, ए मतलब सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक, बी मतलब दोपहर 3 बजे से रात के 11 बजे तक, सी मतलब रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, तो वो लोग मुझे बताओ कि आपको कौन सी शिफ्ट अच्छी लगती है भाई। अभी कंफ्यूजन हो रखा था, हम लोंडे हैं, जितने भी लोंडे होते हैं भाई उनको बेड पे सोच रहे होगे ना कि आपको ये बनाना है, लेकिन किचन में जब आप आओगे तो सिचुएशन देख के आपको मूड चेंज हो जाएगा। पहले सोच रहा हूँ मैगी बनाऊंगा, उसके साथ में ब्रेड लेके आ जाऊंगा, मैगी और ब्रेड का कॉम्बिनेशन में सही से खाता हूँ। फिर उसके बाद में मैंने देखा, मैंने कहा भाई टमाटर गर्मी में ना, चलो अगर मैं 1 किलो लेके आया था ना टमाटर, तो आधी किलो ऐसे चले गए होंगे, ये वेस्ट है। ये कपड़े बहुत काम आते हैं लेकिन जब जरूरत होती है ना, जब मिलते नहीं है। बाकी ये भी मेरे को वेस्ट ही डालना है, जितने टमाटर लेके आया था ना उनसे डबल खराब हो जाते हैं। मैंने कहा भाई आलू टमाटर बना लिया जाए, रोटी बना ली जाए। चावल मैं बहुत दिनों से खा रहा था, चावल तो मतलब लड़कों का रामबाण इलाज होता है, चावल ना होते ना तो लड़कों के पेट में कुछ जाता ही ना। कल तहरी बनाई थी मैंने, फ्रिज नहीं है अपने पास, तो थोड़ा सा उसको सिक्योर करने की भी कोशिश की थी लेकिन वो खराब हो गई थी। तो सर वेस्ट में खाना जाना मतलब पता है आपको, आप एक तो जो मेहनत कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो जिस मेहनत से आपका पैसा आ रहा है, आप उस पैसे से जा रहे हो बाहर, जा रहे हो दुकान में, जा रहे हो धूप पे, जा रहे हो उस पैसे से चावल सब्जी सामान खरीद के लेके आ रहे हो, रख लो। लेकिन उसके बाद भी वो खराब हो चुकी थी तो मैंने डाला, तो मुझे बहुत गंदा लगा। फिर अब फिलहाल आलू टमाटर की तैयारी कर रहे हैं, आटा ले लिया मैंने। ये महस्य को भी 5 बाल्टी पानी सुबह में, 5 बाल्टी पानी शाम में चाहिए होता है, तब जाके इसका पेट भरता है। मेरे को ये था भाई कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, धूप बहुत ही सेक्सी हो रही है। 3 बज गए हैं, मैं ए शिफ्ट करके आया हूँ। पता है पिछले 15 दिनों से ना ये पूरा का पूरा घर मेरा था, मेरी जिम्मेदारी, मेरा सब कुछ। और भाई जब ऐसे वाला सीन होता है ना तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है। और इनकी ये सब फल क्यारी पेड़ पौधों में मैंने ही कम से कम 4-5 बारी पानी दिया है। मैं अभी व्लॉग कर रहा था तो एक कूलर वाले भैया आ गए हैं वो सही कराने के लिए, जो जैसे गलियों में घूमते थे। मैंने कहा यार बाहर क्या ही सही कराऊं, बाहर याद भी नहीं रहता, छोटी छोटी चीज़ ना आप कितना भी बाद में आपको ध्यान आती है, जैसे आपके कूलर खराब रखा है, जैसे चप्पल टूटी हुई है, जैसे या और कुछ प्लास्टिक का आइटम या ऐसी दिक्कतें रखी है ना, तो वो बाद में कभी कभी याद आती है। तो अभी कूलर का एक ये जो ढक्कन है ना, ये चीज़ ये देखो ये खराब हो गई है, तो मैं चाहता हूँ सही कराता हूँ। और मेरी ये आदत है कि जैसे डिलीवरी बॉय आता है तो उसको पानी के लिए ज़रूर पूछता हूँ, तो उनके लिए पानी भी लेके जाता हूँ। कलर सेट हो गया है भाई अपना, ये छोटा। अब उसमें क्या था ना, बहुत सारी दिक्कत थी, जैसे मुझे एक सिर्फ उसका एक उसमें कावला पेच लगवाना था, भैया ने बोला कि इसकी रबड़ भी ख़राब रखी है, मैंने कहा भाई सही कर दो। फिर थोड़ा सा उन्होंने हिला के भी दिखाया, उन्होंने बोला कि भाई वो भी ख़राब रखी है, मैंने कहा वो भी सही कर दो। और दूसरी बात यह है कि मैंने सब चीज़ें इसलिए करवा ली ना क्योंकि मैंने ये वाली जो पीछे वाली खिड़ी खुली हुई है वो यहाँ पे ही खड़े थे, जब फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ उस नीचे खड़े होते। फिर मैंने कहा कुकर को लेके आ रहा हूँ, मैंने कहा आप वहीं पे सही कर देना, उनको लगा कि मैं उनको ऊपर बुला रहा हूँ, तो वो जस्ट ऊपर आ गए थे। तो मैंने कहा भैया आप ऊपर क्यों आ गए, वो बोलते हैं कि भैया मेरे को लगा कि आप ऊपर बुला रहे हो, मैंने कहा नहीं मैं ऊपर नहीं बुला रहा था, मैं कह रहा था कि मैं आप नीचे रहो मैं आता हूँ लेके। मैं डेफिनेटली अगर मैं नीचे लेके जाता ना उस ढकने को तो मैं सिर्फ वही करवाता जो मेरे मन में था, लेकिन वो भैया ऊपर आए तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है करवा लेते हैं। देखो अभी एक मेरा ये ब्रोकन का बैग, इससे मिलो, मुझे छोटी छोटी चीज़ों से इतना लगाव होता है ना, मैं सोचता हूँ कि भाई ये मेरी मेमोरी है। ये ब्रोकन का बैग लिया है मैंने, वन ऑफ माय एक्सपेंसिव बैग एवर। और स्टार्टिंग में मुझे पता है हम लोग छोटे छोटे से थे तो बैग लेने में कितनी कंजूसी करते थे, मैंने कहा ये कर दो वो कर दो। तो ये मैं आपका अगर एक क्विक रिव्यू दूँ, इसके ऊपर एक छोटी बैग हो गया, इसके इम्पोर्टेड लोग या फिर कुछ भी अमेरिकन ट्विस्टर वगैरह का लोग हैं उनमें चैन काफ़ी होती है। ये एक यहाँ पे चैन हो गई, एक यहाँ पे चैन हो गई, यहाँ पे इसका रेन कवर है, फिर एक ये चैन हो गई, फिर उसके अंदर एक मैं स्पेशल चीज़ दिखाऊँ ये देखो ये हो गया, ये एरिया हो गया, यहाँ पे भी चैन है, ये ट्रैकिंग के लिए भी फिट है, अगर कुछ कहीं इधर उधर से जा रहा है तो ये है।
कुछ अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है। और एक बात ये भी है कि मेरे को 22 जून के करीब में नालागढ़ में एक साल हो जाएगा भाई, जो मेरे को एक साल में यहाँ का बिल्कुल मेन एक मोटो लगाव रहेगा, एक मेन याद रहेगी, वो सिर्फ से यहाँ के जो मेरे रिश्ते हैं वो याद रहेंगे, वट एवर इट इज़। बस कंपनी का तो पूछो ही मत। चलते हैं आज और देखते हैं, कुछ शाम अभी बाकी है, देखते हैं। हालांकि मेरी ये इसमें मैंने कपड़े रखे हुए, इससे भाई काफ़ी आराम मिला है, मेरे कपड़े यहाँ पे रखे होते थे सब। सुबह सुबह आ गया था जिम में, वर्कआउट कर लिया है। अभी ना जस्ट मैं जिम के सामने खड़ा था तो एक अंकल जी आए और हॉस्पिटल का पता पूछने लगे। वो यहाँ से 200 मीटर दूर ही है, अब मान के चलो 82 ईयर उसकी उनकी एज होगी। तो फिर वो बोलते हैं कि भैया ये हॉस्पिटल किधर से है। मैंने कहा भाई अंकल जी 200 मीटर दूर ही है, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अंकल जी आप बैठो, मैं छोड़ के आता हूँ। तो अभी बस जस्ट उनको छोड़ के आ रहा हूँ। तो आई जस्ट फील ब्लेस्ड। और भाई किसी की भी हेल्प करते हो ना तो वो उनके लिए उपकार नहीं है। उन्होंने बाइक से जस्ट उतरते ही ना उन्होंने ऐसे बोला बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। तो वो कृपा हमारी नहीं है, आपसे कोई हेल्प मांगने आ रहा ना तो आप भगवान जी का फॉर्चुनेट करो, भगवान जी थैंकफुल हो कि भगवान ने उनको आपके पास हेल्प मांगने के लिए भेजा। इस व्लॉग का टाइटल क्या था कि भाई तेरा घर बिक जाना है। इसमें भाई स्टार्टिंग में ना मतलब 4,000-5,000 के जूते शूज़ कहाँ कौन, मतलब स्टार्टिंग में बच्चे थे भाई, 200-300-400 रुपए का बैग होता था, उसमें भी घर वाले 10 फटकार लगाते थे और हम मान जाते थे। तो अभी बस वो है कि हाँ इतना एबिलिटी हो चुकी है कि हाँ ठीक ठाक मन के मुताबिक मैं एक्सपेंस कर सकूँ, इसलिए मैंने ये टाइटल लिखा। टाइटल और कोई मतलब नहीं था कि कोई ख़रीद नहीं सकता या कुछ। बाकी थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और भाई अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।